भैया वापस बुलाओ, नानू मुझे छोड़ के ही नहीं जाएगा। और जान भी अटक गई, देते गायब हो गया ड्रोन। आज हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे राइड पर। हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को राम राम। मैं सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। स्वतंत्रता दिवस के सभी हिंदुस्तान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। मुझे एक अपना ये तिरंगा माउंट करना है अपनी बाइक पर। तिरंगा माउंट करते हैं और निकलते हैं। दिस इज माई इंडियन फ्लैग एंड माई टॉप बॉक्स साउथ टू बी इंडियन। ये मेरा बैग में है ड्रोन, कृपा बनाए रखना प्रभु सब लोगों पे। आज ज्यादा लेट हो गए, आज गालियां पड़ने वाली हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बनाया है। लो जी, हम फिर से आ गए हैं नेशनल हाईवे नंबर 21 पर। और एक्चुअली क्या उस दिन इसमें छाला था, अब दिक्कत ये है कि ये गया सूख और खाल रही है खेत। काफी सारे आ चुके हैं, क्या बात है। अब ऐसे सीखना पड़ेगा मुझे। ओहो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और मुझे लग रहा है करीब 8:15 बजेंगे। इससे बड़ी बात, हमारे जो योगेंद्र भैया हैं वो खड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे, और ये बाहर नौकरी करते हैं, ये सबसे पहले आ गए। तो 7:30 बजे इनका टाइम फिक्स है। बाकी हम सारे इंडियंस है, ये NRI हो रहे हैं इसलिए ये टाइम है, बाकी सब लेट है। सारी बाइक अप टू डेट रेडी है, हमारे साहिल बैंक मास्टर रेडी है अपनी लाड़ो अप टू डेट टॉप मास्टर। योगेंद्र भैया ये आज पहली बार हमारे संग राइड कर रहे हैं, खुश नसीब है कि आज हम इनके संग राइड कर रहे हैं। छामदी मोटर्स मेरे पीछे, काफी अच्छा शोरूम है, काफी अच्छी सर्विस है, तो आज एक हिमालयन भी बुक हो सकती है। ये हमारे हैं HSR राइडर, ये हिमालयन बुक करेंगे आज हमारे ग्रुप में, एक हिमालयन और जुड़ेगी। का अभी लेटेस्ट स्टार्टिंग है, तो जरा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज देखना, स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये हमारे दो भाई और आ चुके हैं, तो करीब मेरे हिसाब से 15-20 लोग हो जाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं राइड को यहाँ से, और हम लीड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं योगेंद्र भाई साहब ने, राइड स्टार्ट हो चुकी है। और प्लान थोड़ा सा इस तरीके से है कि यहाँ से सारस चौराया, सारस चौराहे से बिजली घर, और बिजली घर से सीधा कुम्हेर गेट, कुम्हेर गेट से बाईपास होते हुए बंद बारेठा। सारे राइडर्स ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। राइड है रॉयल इनफील्ड की तरफ से है, और रॉयल इनफील्ड वालों ने ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें भरतपुर के सारे जितने भी बाइकर्स हैं सबको इनवाइट किया गया था। तो जितने भी पॉसिबल हुए हैं आज वो सब आए हैं राइड पर। और ये आगे हमारा सारा चौराहा, और बिजली घर से अब मार्केट में हम अंदर घुस चुके हैं। सभी को थोड़ा सा मैंने गाइड किया है कि आराम से चलना है, मार्केट में थोड़ी सी भीड़ है आज। ये हमारा आ चुका है गंगा मंदिर। ये हमारा लक्ष्मण मंदिर, शानदार है। और अब सीधा निकलते हैं कुम्हेर गेट की तरफ, और ये आ रहा है हमारा कुम्हेर गेट चौराया। ये कुम्हेर गेट दरवाजा है जो लिखा हुआ है। ये जो राइड है ना, इसमें देश के प्रति जो राइड होती है, अपने हिंदुस्तान के प्रति जो राइड होती है, अपनी मिट्टी के प्रति जो राइड होती है ना, जोश और जुनून भरता है उस राइड में, एक एक रोम खड़ा हो जाता है। भावनाएं हिंदुस्तानी होने की होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है, मजा आ जाता है। राइड है एक नेशन राइड है, और ये रॉयल इनफील्ड जो है वो पूरे इंडिया में सब जगह ये ऑर्गेनाइज करवाती है। हर सिटी में एक राइड ऑर्गेनाइज होती है, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, एक हिंदुस्तानी होने का आभास कराने के लिए, एक भारतीय होने का गौरव प्राप्त करने के लिए कि हाँ जी हम भारतीय हैं और हम संगठित हैं।
और अब ये सीधा रोड जा रहा है जयपुर, अपन लेंगे लेफ्ट टर्न, ये जाएगा सीधा ब्राना, उज्जैन होते हुए बंद बारेठा। यही रोड आपका सवाई माधोपुर, कोटा, गंगापुर सिटी सब जगह जाता है। ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब का है, इन्होंने एक रूम टाइप बना रखा है, तो यहीं पर एक दिन फार्म हाउस बनाएंगे हम, तो यहीं रहा करेंगे पूरे हो जाएंगे जब। ये थोड़ा सा पैच खराब आएगा, हल्का फुल्का सा, और ये वाटर क्रॉसिंग फिर आ गई है। क्या बात है, और पीछे की तरफ घर, घर जो बने हुए हैं बिल्कुल ग्रीनिश एरिया में, क्या बात है। यहाँ से सेवला हेड आएगा, क्योंकि ये गांव है सेवला, सेवला हेड पानी है, बिल्कुल पानी चल रहा है। खा लो एक एक पेटीज, आगे समोसा वमोसा मिल रहे हैं ना, बोल तो कौन कह रहा हो, कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ एक एक पेटीज यही खा लो, ऐसा क्या समोसा वालों खड़ा नहीं मिलो, फिर समोसा वालों खड़ा नहीं मिलो फिर। तो लो जी, इस तिराहे पे हमने कर लिया है एक ब्रेकफास्ट, और यहाँ हल्का सा एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लेके फिर निकल रहे हैं हम दोबारा, और अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही बैठेगा। ये देखो क्या बात है, एक नंबर रोड खराब है, लेकिन खूबसूरती इतनी है कि रोड का पता ही नहीं चल रहा कि रोड खराब है या सही है। मतलब खैर बाइकों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, गाड़ी से भी आप आ सकते हो, गाड़ी खड़ी कर सकते हो। क्या बात है यार, अमेजिंग, इतनी हरियाली है, इतना शानदार व्यू है, बहुत बढ़िया। लो जी, अपना डेस्टिनेशन आ चुका है, और बाइक को लगाएंगे हम यहीं कहीं साइड में। तो हम आ चुके हैं बंद बारेठा डैम पर, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो बैक का जो व्यू है ना बहुत ही औसम है, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ इस डैम में इतना पानी, इससे पहले आया था तो इतना पानी नहीं था, आज देख रहा हूँ काफ़ी पानी है। तो अभी मैं आपको एक बार कैमरे से दिखा देता हूँ, देखिए आप बहुत ही शानदार व्यू, फिर उसके बाद किसी दूसरे तरीके से दिखाऊँगा मैं आपको वो व्यू, वो ज़रूर देखना एक बार, इसको घुमा के आपको दिखाते हैं। ये था यहाँ का नज़ारा, और अभी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी कर लेते हैं, पहले आपको जो मैं ड्रोन शॉट दिखाऊंगा ना वो देख लेना। चलिए फिलहाल ड्रोन शॉट का आनंद दीजिए, ड्रोन शॉट देखने पर ज़रूर बताना मुझे कैसे। शॉट ले लिए थे, आपको आई होप कि बहुत पसंद आए होंगे, और जान भी अटक गई, क्योंकि हमारा ये साहिल है ना बोला पीछे पहाड़ी पे से जो व्यू आएगा ना बहुत बढ़िया आएगा भैया, मैं चलो उड़ा देते हैं। गायब हो गया ड्रोन, और डिस्कनेक्ट भी हो गया, कंट्रोलर से भी डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आ गया, वो सब आपका प्यार है इसलिए आ गया, क्योंकि आपको दोबारा ड्रोन शॉट हम दिखा सके इसलिए आ गया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ड्रोन शॉट आपको पसंद आए होंगे। तो अब सीधा यहाँ से निकलते हैं, फोटोग्राफी कर ली है, और सीधा मिलते हैं अब बाइक पर, और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। चलिए तो यहाँ से निकलने का हो गया टाइम, बंद बारेठा से आगे आ गए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर रोड बहुत शानदार है। क्या बात है, तरफ पहाड़ ही पहाड़, और ये बीच में से लहराती बलखाती रोड, इतनी शानदार लोकेशन है ये, विंटर में जरूर आएंगे हम यहाँ पे। एक हल्का सा टर्न लेकर वापस भरतपुर की ओर, टाइम हो गया 11:40। अभी से हम बाइक पे और सीधा आ गए हैं हम प्रताप रीगल होटल,
लंच का अरेंजमेंट है यहाँ पर रॉयल इनफील्ड बछामदी मोटर्स की तरफ से। जितने भी राइडर्स आज राइड पे गए थे उन सबके लिए लंच की व्यवस्था यहाँ पे है। टाइम हो गया है 1:11। अच्छी राइडिंग करके आए हैं। अब की बार हमने रूट बदल दिया था उधर से, और ड्रोन शॉट तो सुभान अल्लाह। ड्रोन शॉट के बारे में मैं साहिल को इसके अंदर ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा उस समय मज़ा नहीं आ रहा था, थोड़ी सी हम घबराहट में थे। घबराहट इसलिए ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हमने ट्राई किया था कि कुछ अच्छा करते हैं, और हमने पहाड़ी के उस साइड ड्रोन भेज दिया, और एकदम ही उसमें मैसेज आया कि कनेक्टिविटी लॉस्ट कनेक्ट आया। भैया वापस बुलाओ, तो घबराहट चालू हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, मैंने कि ये नानू है उसका नाम, नानू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं कन्फर्म था। भैया अगर चले जाते ना, आपको कुछ ज़्यादा नहीं जाता, मेरा वो भाई चले जाता। एग्जैक्टली बात ये है, और उसी के चक्कर में हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बढ़िया व्यूज़ दिखा सकें, और भरतपुर लोकल तो दिखा ही सकें। कम से कम भरतपुर में आपको ऐसे व्यूज़ नहीं मिलेंगे जैसे और जगह के हैं। आप चाहे मनाली के व्यूज़ ले लो, ड्रोन शॉट मिल जाएंगे, आप सब जगह के मिल जाएंगे, लेह लद्दाख मिल जाएंगे, भरतपुर के नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ हमारे दो चैनल पर मिलेंगे, एक तो साहिल वंडर साहिल और दूसरा सिंह धर्मेंद्र। दोनों के चैनल पे जाके आप खूब नए लेटेस्ट व्यूज़ देखना। ड्रोन जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्यार बना रहना चाहिए। प्यार नहीं जाना चाहिए, आपका प्यार हमारे से दिन पर दिन बढ़ना चाहिए। एक्चुअली मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर कर रहा हूँ। मैंने हिमालयन खरीदी तो हमने सोचा कि अब राइड करेंगे लंबी लंबी, तो मुझे पता चला भरतपुर में एक राइडर है। अब कौन है? तो जो कि कोई सारस चौराहे पे है, वो राइडर है और राइड करते हैं, और लंबी लंबी राइड करते हैं। तो एक भरतपुर साइकिल क्लब के मेंबर हैं, उनका नाम है राकेल। उन्होंने कहा कि एक योगेंद्र जी हैं और वो भरतपुर में राइड करते हैं। इन्होंने फिर मुझे नंबर दिया। मैंने कॉल लगाया तो नंबर मेरे पास ऑलरेडी फीड था, क्योंकि ये मेरे से बहुत पहले से मिले हुए हैं योगेंद्र भैया। तो बहुत अच्छे इंसान हैं और इनसे काफ़ी पहले से मैं जानता हूँ। तो मैं इनसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि भैया ये बताओ कि अगर अपन लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट रखना चाहिए? तो लंबी राइड करने में एक अपना एक पैशन है। तो आप जब राइड करते हैं तो सोलो से बेटर कोशिश करिए कि 2-3 लोगों का ग्रुप रहे, परफेक्ट। आप एक फॉर्मेशन में चलें, ओवरटेकिंग कम से कम करें, नाइट टाइम में कम से कम ड्राइव करें, गूगल से आप अपना तैयार होके जाएं। तो सही बात है, बिल्कुल। आपको सबसे पहले मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, ये अल्लड़पन की राइड नहीं चलेगी। और आप छोटी मोटी राइड भी करते हो ना तो उसमें भी अल्लड़पन नहीं चलेगा, ओवरटेक करते हैं, कभी स्पीड बहुत तेज़ कर ली, कभी स्लो कर ली, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। और मेरे हिसाब से जब राइड कर रहे हो ना तो रोड को इन्जॉय करो, सीनरी इन्जॉय करो, वेदर को इन्जॉय करो, राइड को इन्जॉय करो। भगा के 10 मिनट जल्दी पहुँच जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू, आज इनके संग मैं शुरू में ही कहा था कि आज आपके संग राइड कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। तो थैंक्स अ लॉट भैया को बन सकें। और एक अच्छी बात और हो रही है आज, ये भी एक रॉयल इनफील्ड हिमालय बुक करा रहे हैं, और एक हमारे ग्रुप में और बढ़ जाएगी। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा घर पहुँचेंगे, और घर आपसे फिर थोड़ा सा तसल्ली में बात करेंगे और इस ब्लॉग को वहीं एंड करें। तो लो जी, हम आ गए हैं अपने घर, और मैं आते ही सबसे पहले बाथरूम में गया हूँ, अपने आप को थोड़ा सा चिल किया है, और उसके बाद फिर आपसे बात करने बैठा हूँ। सारे कार्ड वगैरह खाली कर लिए हैं, सारी बैटरियाँ निकाल ली हैं, सारा सामान बिखरा हुआ है, सारे सामान को जमाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, ड्रोन शॉट काफ़ी अच्छे पसंद आएंगे, क्योंकि उस पर काफ़ी मेहनत की है और रिस्क भी लिया है। इतना नहीं ऊँचा उड़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उड़ा दिया है अच्छा सिनेमेटिक शॉट देने के चक्कर में। लेकिन आपकी दुआ आशीर्वाद, आपके प्यार के कारण ड्रोन मेरा वापस आ गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपकी गुड विशेष हर समय मेरे से जुड़ी रहे, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। थैंक्स टू बछामदी मोटर्स, उन्होंने आज बहुत अच्छी राइड ऑर्गेनाइज की, भी लोगों को काफ़ी पसंद आया। तब रियल होटल में उन्होंने लंच की व्यवस्था की थी, तो वो भी बहुत शानदार था, अच्छा था, और उसके लिए उनको थैंक यू। सभी राइडर्स के लिए थैंक यू, उन्होंने इस राइड को ज्वाइन किया। आई होप कि फिर इसी तरीके की राइड ऑर्गेनाइज हो, और जिससे हमको और ज़्यादा से ज़्यादा राइडर्स इसमें जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।